निलॉस यूनिसेक्स सैलून एंड एकेडमी अपोजिट बदर विद्यालय वैशाली नगर अजमेर इंटरनेशनल वॉचेस कलेक्शन बाय मिनट्स टू स्टाइल मार्टिंडल ब्रिज अजमेर। इस खबर की प्रस्तुत करता है स्ट्रॉन यूनिसेक्स सैलून कचहरी रोड अजमेर सैलून जो आपको देता है स्टाइल। मैंने घरेलू कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था टाटा पावर में, तो मेरे घर के बाल बाहर ही पोर लग रहा है ना, तो टाटा पावर को कुछ लाइन खींचनी है ना कुछ करना, केवल सर्विस कनेक्शन होना है, उसके लिए 50,000 का डिमांड भेजा है। तो ऐसा लग रहा है अजमेर में प्रशासन है ही नहीं बिल्कुल, ये टाटा पावर दोनों हाथों से पब्लिक को लूट रही है। एक पोल लगना, एक केवल मेरे लाइन शिफ्टिंग का मामला था जिसमें लाइन झूल रही थी, इनको काम फ्री में करना चाहिए थे, उसके मेरे से 15,000 रुपये वसूल लिए टाटा पावर ने। और कनेक्शन के लिए अब मैं कितने बार चक्कर काट चुका हूँ टाटा पावर के ऑफिस, आज यहाँ जो हाथीभाटा में जनसुनवाई हो रही है उसमें भी मैं आया हूँ। तो तकनीकी निदेशक है बीएम पालीवाल साहब जी, उन्होंने कहा थोड़ी देर रुको, देखते हैं आपका क्या मैटर है। तो लोगों ने आज तक उस कॉलोनी में किसी ने इतना पैसा नहीं भरा, तो फिर मैं क्यों इतना पैसा डिमांड भरूँ। नाम रामप्रसाद जांगिड। मेरा मीटर अभी तक लगा नहीं, मैंने जबकि डिमांड भर दिया है 3652 रुपये का 18 जून 2012 में, और मैं डिमांड भरने के बावजूद मैं 6 बार आ चुका हूँ जन सुनवाई में, अभी तक मेरा मीटर नहीं लगा है परमानेंट। और मैं अभी मैं मंगलवार को फिर अभी भी आया हूँ, अभी लाइन पर खड़ा हूँ, 22 नंबर मेरा अभी नंबर आया, अभी देखो अभी क्या करते हैं MD साहब। तो आपको क्या जैसा दे रही हूँ, मीटर लगा ही नहीं हमें, पैसे जमा करा दिया मैंने 3652 रुपये, फिर उसके बावजूद भी मैं कल आए थे अफसर, बोला कि हम उस पास वाले के डिमांड भेजेंगे, अब पास वाले से मुझे क्या लेन देना, मेरा डिमांड था मैंने भर दिया, कुछ भी हो मेरे उससे क्या लेन देना, मेरा डिमांड था आपने भेजा, हमने जमा करा दिया, उसके बावजूद भी मेरा परमानेंट मीटर नहीं लगा है। गलती किसकी मानते हो? गलती मैं तो इनकी टाटा पावर की मानता हूँ मैं, क्योंकि मैंने डिमांड भरने के बावजूद, मैं एक बार डिमांड भरूंगा बार बार गरीब आदमी कहाँ से भरूंगा, मैं चाय की होटल चलाता हूँ सर। कहाँ रहते हो? फाइजर रोड कीर्ति नगर, नाम 18B कीर्ति नगर, जयप्रकाश बोल रहा हूँ मैं। उपभोक्ताओं की समस्या निवारण और जन सुनवाई के कारण लिए हर मंगलवार को निगम मुख्यालय या किसी न किसी जिला मुख्यालय पर जन सुनवाई की जाती है, जिसके तहत जो मामले आते हैं उसमें यथासंभव ये प्रयास किया जाता है कि तुरंत उसका निस्तारण कर दिया जाए, या कोई जिसमें इंक्वायरी या और किसी की ज़रूरत है तो उसको समयावधि दी जाती है। आज 27 मामला है अभी तक, और उसमें अधिकतर मामले ऑडिट के बिल से संबंधित है, क्योंकि उसमें रिकॉर्ड वगैरह का अवलोकन करना होता है, तो निर्देश दे दिए गए हैं कि रिकॉर्ड का अवलोकन करके यथासंभव जो भी उपभोक्ताओं को छूट दी जा सकती है या जहां गलती निवारण किया जा सकता है उसको ठीक करें। एक दो मामले VCR से संबंधित हैं जिनको VCR रिव्यू कमेटी में सुनवाई करने के लिए निर्देशित कर दिया। निगम का आप सभी को ज्ञात होगा कि निगम की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, और निगम को जो पैसा लेना होता है उस पर ब्याज देना पड़ता है। जब उपभोक्ताओं को भी अवेयरनेस नहीं होने के कारण LPS देना होता है, और अभी चूंकि मार्च आने में है इसलिए मार्च में एकदम वजन दबाव नहीं आवे, इसके लिए अभी से सभी को ये निर्देशित किया गया है कि उपभोक्ताओं को ज़्यादा से ज़्यादा उपभोक्ताओं को बतावें और उनसे वसूली कर लें। कोई टारगेट रखा सर? अभी हमने इस महीने तक का टारगेट 97.5% रखा है पूरे निगम का, और फाइनल टारगेट मार्च तक का 100% से ऊपर रखा है।